महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत उतरणार असल्याचे समाजवादी पार्टीने ठरवलेलं नाही आहे. आम्हाला युती करण्यासाठी एका विचारावर चालणारा पक्ष हवा आहे, पण तसं महाराष्ट्रात पाहायला गेलं तर काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरेकडे दोन दगडावर पाय ठेवतात. मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण मंजूर होऊनसुद्धा काँग्रेसने ते दिलं नाही अशी भूमिका अबू आझमी यांनी मांडली. तसेच लोकसभा निवडणुकीवर बोलताना अबू आझमी म्हणाले की एका लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी मोठा पैसा मोजावा लागतो, इतर पक्ष जवळपास 50 करोड इतका खर्च करतात, पण समाजवादी पार्टी तसं करू इच्छित नाही, त्यामुळे आम्ही लोकसभा निवडणुकीत उतरणार नाही. देखिए, ऐसा है कि मैं लोकसभा के इलेक्शन में भी अभी समाजवादी पार्टी ने तय नहीं किया है, जबकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी है. उसने अलायंस किया हुआ, इंडिया अलायंस, वहाँ पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस पूरा हो गया है. हम यहाँ देख रहे हैं वेट एंड वॉच क्या करना चाहिए हमारे को, क्योंकि देखिए सामने हमें एक हमें ऐसे लोग साथ चाहिए जो लोग रियल में जो कहें वो करें. अब मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस हो या बीजेपी या शिवसेना हो, ये लोग दो नाव पे खड़े रहते हैं. एक तरफ सेक्युलरिज्म बात करते हैं, एक तरफ कमजोर काम करते हैं. अगर मैं कांग्रेस के साथ जाता हूँ तो ठीक है, मेरे अगर मजबूरी है कांग्रेस के साथ चला जाऊँ, लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछूँ कि जो 5% रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन आप ही लोगों ने लाया था और हाईकोर्ट ने कह दिया कि दे दो, तो फिर आपने क्यों नहीं दिया? जनता पूछ रही है हमसे. हम जाएंगे जनता के बीच में तो लोग कहेंगे भाई आप उन्हीं के साथ खड़े हो ना, कि जिन्होंने नोटिफिकेशन निकालने के बाद, उनकी सत्ता आने के बाद भी उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया. इसी तरह से उद्धव जी हैं, वो दो नाव पे खड़े हुए हैं, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं, एक तरफ सेक्युलरिज्म की बात करते हैं. तो हम दुविधा में हैं अभी, अभी हमने तय नहीं किया क्या करना चाहिए. सर आता बोलता ना अपन म्हटलं होतं लोकसभा निवडणुकीत मोठा पैसा लागतो काय? अरे भाई मैंने तो सुना है लोग जो है बहुत लंबे पैसा खर्च करते हैं, बांटते हैं पैसे लोगों को, लेकिन समाजवादी पार्टी वो काम नहीं करना चाहती. समाजवादी पार्टी जो देश का कानून है, जितना पैसा खर्चा उतने करके इलेक्शन लड़ना चाहती है, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा इन चीज़ों का चलन हो गया है कि जो रियल में लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो रियल में समाजवाद लाना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं लड़ने के लिए इलेक्शन, वो जीत ही नहीं सकते. अभी अगर आप जाकर सचमुच इंक्वायरी करें, ये जो अभी इलेक्शन हुआ है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, कौन सा वो है जो वहाँ पे एक एक आदमी 50-50 करोड़ लोग बोलते हैं, मुझे नहीं, मैं तो कल कोई मुझे सवाल नहीं कर दे कि आप ऐसी बात कर रहे हो, कोई एविडेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बातें चल रही हैं रूमर कि इतने इतने रुपए खर्च होते हैं. पैसे इतने इतने पैसे खर्च करके चुन के आने की ज़रूरत क्या है? आप एक रुपया खर्च नहीं हो, जनता से पैसे लो और लड़ो इलेक्शन, ताकि आप बिल्कुल से लोगों की सेवा करने के भाव से आगे जाओ, तो मैं समझता हूँ कि सही इलेक्शन हो सकता है. सर आपण प्रेसमध्ये बोलताना म्हटलं होतं की 10 करोड रुपये इतका खर्च लागतो, यामुळे आम्ही लोकसभा निवडणूक लढणार नाही आणि काय? नाही, मैंने बोला ना लोक कहते हैं कि इतने रुपये खर्च होते हैं. मैं सुन रहा हूँ सबसे कि बहुत पैसे खर्च होते हैं इलेक्शन में. हम लोग नहीं पैसा खर्च करते, लोग 10 करोड़ 20 करोड़. कोई कह रहा है कि अभी जो है इलेक्शन हुआ, अभी कौन सा नया स्टेट बनाया वो जो आंध्र में अभी जो तेलंगाना. लोग कह रहे हैं, देखो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लोग कह रहे हैं कि एक एक सीट पे 50-50 करोड़ खर्चा हुआ है, ऐसा मैं सुनने आ रहा है. तो मैं तो भाग जाता हूँ पीछे अगर ये सब बातें सुन करके. ऐसे इलेक्शन होता है क्या? लोकसभा लड़ना है कि नहीं लड़ना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं लोकसभा महाराष्ट्र में लड़ूंगा. लोकनायक न्यूज़.